भजन संहिता उसका 7 अध्याय और उसका 11 पद। बाइबल कहता है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। देखिए बाइबल यहां पे हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम संतान है, वो धर्मी और न्यायी है। वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन, इसका मतलब हर दिन क्रोध करता है। और याद रखिएगा, परमेश्वर का क्रोध जो है वो पवित्र है। यदि परमेश्वर क्रोध ना करे तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य समझ नहीं सकता, मनुष्य पाप में ही बिजी रहता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे यदि हम बाइबिल में पढ़ें तो जब परमेश्वर ने मिस्र से अपने लोगों को, इसराइलियों को छुड़ाया, और जब वे मूसा के साथ रास्ते में थे तो किस तरीके से इसराइली पाप करते थे। कई बार उन्होंने पाप किया, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर ने जो कानून बनाए थे उसके विरोध में इसराइली किए, परमेश्वर क्रोधित हुआ। और जब भी परमेश्वर क्रोधित होता था, उन्हें दंड देता था, वे फिर से मन फिराते थे और कहते थे कि परमेश्वर हमें बचा। तो कई बार परमेश्वर क्रोध इसीलिए करता है, हमेशा परमेश्वर जब भी अपने लोगों के लिए क्रोध करता है तो उसकी भलाई के लिए होता है, कभी उसके नाश के लिए नहीं होता। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के लोगों के लिए, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए, परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर से जोड़ता है। कई बार हम भटकते हैं, कई बार हम परमेश्वर को इनकार करते हैं बहुत सारे कामों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध कुछ इस तरीके से आता है कि हम मन फिराते हैं और फिर से पाप को छोड़ करके प्रभु के समीप आते हैं। याद रखिएगा, तो परमेश्वर भी क्रोध करता है। जब आप मरकुस पढ़ें, उसका मरकुस उसका 3:5 पढ़ेंगे, देखिए बाइबिल क्या कहता है कि ये यीशु के समय की घटना है। यीशु ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। ये उस समय घटना थी जब लोग विरोध कर रहे थे आराधनालय में, परंतु बाइबिल कहता है कि यीशु मसीह ने उस समय क्रोध किया। इसका मतलब क्रोध परमेश्वर भी करता है और मनुष्य भी करता है, लेकिन कौन सा क्रोध ऐसा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है मनुष्य के जीवन में? आइए हम वचन से सीखेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 26 पद से हम पढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 26 पद से, इफिसियन चैप्टर 4:26, यहां बाइबिल कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। वचन सामने रखें, देखिए बाइबिल कहता है क्रोध तो करो। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जिन्होंने मसीह पे विश्वास किया है, उनसे कहता है कि क्रोध तो करो। एक व्यक्ति क्रोध कर सकता है, परंतु एक बात है, बाइबिल कहता है पर पाप मत करो। क्रोध करने के लिए इजाजत है, परंतु उस क्रोध में पाप को शामिल नहीं करना है। यदि आपने क्रोध में उस गुस्से में आपने यदि पाप को शामिल किया, तो वो क्रोध परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के सामने गलत है। एक बात सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हिंदी शब्द जो कि क्रोध के लिए, नए नियम में यूनानी भाषा के 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। एक का अर्थ होता है जुनून या ऊर्जा। यूनानी भाषा में 2 शब्द हैं क्रोध के, ठीक है। पहले का अर्थ होता है जुनून, ऊर्जा, और दूसरे का अर्थ होता है उत्तेजित या उबलना। याद रखिए, जो बाइबिल में क्रोध करने के लिए हमें इजाजत देता है, जो बाइबिल आधारित क्रोध है, उस क्रोध का उद्देश्य समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता करने के लिए होता है। देखिए, जो बाइबिल में जो क्रोध हम कर सकते हैं
वो क्रोध केवल इसलिए होता है कि समस्याओं में समाधान हमारा हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक माता पिता होता है, माता पिता के जो उनके पास जो बच्चे होते हैं वो उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, होता है। कई बार यदि माता पिता क्रोध ना करें और केवल उनसे प्यार करते रहें, उन्हें डांटे ना, और व्यक्ति कब डांटता है, जब वो क्रोधित होता है ना, किसी ना किसी काम से। आप यदि बच्चे हैं, आपके पास माँ बाप हैं, तो आपने देखा होगा कभी भी जब हम कभी गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं, और डांटने का कारण क्या होता है, क्योंकि वो आपके काम से नाराज हो जाते हैं और गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इस कारण से वो आपको डांटते हैं। और याद रखें, लेकिन बाइबिल एक बात बताता है इफिसियों 4:26 में कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब एक माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर क्रोधित हो सकता है, परंतु उस क्रोध में पाप को शामिल नहीं करना है।